अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि ओपन एआई की क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं। ओपन एआई या जिसको हम चैट जीपीटी के नाम से मशहूर है, जो इसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं और इसके साथ हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। पॉसिबल सेट ऑफ थिंग्स, इस पे हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से आप चैट जीपीटी सर्च करेंगे। तो अगर चैट जीपीटी आपने पॉपुलर नाम सुना हुआ है ना, तो आप चैट जीपीटी सर्च कर देंगे। अदरवाइज ओपन एआई भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर ओपन एआई सर्च करेंगे आप, तो ओपन एआई से आपके पास क्या होगा, गूगल भी आपने ओपन एआई सर्च किया तो आपके पास, जब हम ओपन एआई में जाएंगे तो वहां से भी आपको चैट जीपीटी का लिंक आराम से मिल जाएगा। तो इसकी जो ओपन एआई की दो एक पॉपुलर ऐप्स हैं, एक ऐप जो है वो चैट जीपीटी है, जो एनएलपी के लिए होती है, मीन्स के इंग्लिश कन्वर्सेशन या मतलब ना लैंग्वेज कन्वर्सेशन के लिए यूज़ होती है। और डेल ई होती है वो जो आपके पास इमेज एडिटिंग या इमेज कन्वर्सेशन के लिए यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चैट जीपीटी जो का वो क्या फीचर है, चैट जीपीटी किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है ट्राई चैट जीपीटी का, यहाँ पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। नीचे भी आपको और भी इन्होंने लिंक दिया होगा ट्राई चैट जीपीटी का, यहाँ से भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लॉग इन या साइन अप का एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। तो अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कीजिएगा आप, और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस बताना है और उसके बाद उसके क्रेडेंशियल्स बताने हैं। ठीक है, तो मैं इसके, मेरे पास ऑप्शन एक और भी है कि मैं गूगल से भी अपना अकाउंट कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो मैं गूगल से मैं साइन अप करता हूँ। तो जब मैं गूगल से साइन अप करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ऑप्शन आएगा कि आपने ईमेल अपना कोई सिलेक्ट कर लें। तो मैं ये वाला ईमेल अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ एक। ठीक है, तो इसमें मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक वो जल्दी से ना एक साइन अप मेरा प्रोसेस का क्विक कंप्लीट करेगा और मुझे ना एक न्यू विंडो पे ले आएगा जिस पे मैं इसके साथ आसानी से कोई भी चैट कर सकता हूँ। तो ये मेरा उसने नाम कन्फर्म किया, उसके बाद मोबाइल नंबर से उसने कन्फर्म किया। मोबाइल नंबर मैं नोट कर लेता हूँ कोई भी। ठीक है, तो इससे मेरा ना मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। तो ये मैंने इसमें कोड इंटर कर दिया और मेरे पास ना ये अभी इसको इसने साइन अप यहाँ पे किया है। अभी आपके पास ये एक न्यू वे की विंडो खुल गई है जिसके ऊपर आपने ना एक देख लिया, चैट जीपीटी का एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आपको ना एक सर्च बार टाइप मिल रहा है। ठीक है, इस पे आप दुनिया का कोई भी टॉपिक लिख लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि राइट राइट एन एसे, मैं चाहता हूँ कि मैं एक कैद अदम के ऊपर एक ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, राइट एन एसे एन तो ये देखें आप, वो उसने ना कैद अदम के ऊपर एक यूनिक ऐसे ऐसे लिखना शुरू कर दिया है। ठीक है, वो खुद से सोचेगा जो जो चीज़ें उसके माइंड में आएगी, वो उसको जो ना जो उसके पास ट्रेन हुई होंगी सारी डेटा से ना, उसने 2021 से पहले वाला डेटा सारा उसके पास पड़ा हुआ है दुनिया का, तो वो उस डेटा से उसने ट्रेन किया हुआ है। और ये ऑफलाइन चलता है, तो इसलिए ये ऑफलाइन का मतलब ये कि वो किसी और जगह से नहीं उठाता, ये खुद से जनरेट करता है डेटा को। तो ये आपके अपनी एक मतलब ना एक क्लास है, अपनी जो थिंकिंग के हिसाब से आप देखते हैं कि आपके पास एक ऐसे इसने आप उसमें बना दिया कि जो आप चाहते हो। ये इवन आप इससे आप कन्वर्सेशन और इसकी मेन करना चाहते हो कि अगर आप चाहते हो कि आपको किसी खास टॉपिक के ऊपर चाहिए, एक तो जनरल टॉपिक हो गया ना ये वाला कैजम का। ठीक है, अभी हम इसके बाद जो ये वाली आपके पास जनरेशन हो रही है, इस जनरेशन के बाद हम थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई करते हैं कि भाई हमें जो ना ये जो उसने एक जेनेरिक बना के दे दिया, पैदाइश कैसे हुई सोरा सारा कुछ, तो हमें कुछ और जेनेरिक चाहिए थोड़ा सा इसको आपने और थोड़ा सा सेटअप करने के लिए। तो
तो फिर मैं ये करता हूँ कि मैं इस पे एडिट के यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था, मैंने उस पर क्लिक किया और फिर मैं कहता हूँ कि अभी कह दे आदम राइट एंड ऐसे, यानी कह दे आदम आफ्टर पाकिस्तान या आफ्टर 1947, 14 अगस्त 1947, ये हो गया। तो इसको जब मैं सबमिट करूँगा तो इसने अब 1947 के बाद के जो होंगे ना इवेंट्स, उस बेस के ऊपर ना वो ये सारा अपने जो ना पूरे ऐसे को जो है वो रिवाइज करेगा। ठीक है, अभी देखें इसके उसने अपनी सारी की सारी वर्डिंग सारी की सारी उस हिसाब से चेंज कर दी। तो मीन्स इससे आप अपनी कन्वर्सेशन कर रहे हो कि मुझे यार इस तरह की चीज़ दिखाओ मुझे, वो उसने आपको ला के दी। तो आप एक बॉस बन गए, आपने एक अपन बंदा मतलब जो रखा हुआ वो आपको एक एक चीज़ें जो ना आपकी अपनी इनपुट के हिसाब से मतलब वो आपको बता रहा है कि ऐसे 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 मैं आपको एक बना के देता हूँ। फिर वो आप उसको देखोगे, वो आपको अगर ठीक अच्छा नहीं लगा फिर आप उसमें और चीज़ें देख सकते हो कि भाई ये क्या क्या क्या। ठीक है, तो ये एक मतलब फर्स्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको एक जनरल टॉपिक बता दिया जो आपका मतलब लाइक हिस्ट्री का टॉपिक है। तो अभी मैं इसके से हट के थोड़ा सा और आपको ना मैं आपको टेक्निकल टॉपिक की तरफ अभी ले जाता हूँ। तो इसको भी हम स्टॉप कर लेते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल के ना हम कहते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स कितनी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स हम व्हाट आर दी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स। अब उसने यहाँ पे आपको कनेक्टर्स की टाइप्स बताना शुरू कर दिया। मेटल कनेक्टर है आपके पास एक, तो इसी तरह नेक्स्ट हमें बताएगा मुख्तलिफ किस्म के हमें बता देगा, सेमी कनेक्टर्स होते हैं हमारे। ठीक है, और इसी तरह आई थिंक अगला जो बताएगा नॉन कनेक्टर बताएगा, इंसुलेटर्स हाँ वो नॉन कनेक्टर हो जाएंगे। अब हम मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाऊँ भी, तो मैं चाहता हूँ मैं सुपर कनेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा इससे पूरा मतलब डिटेल लिखवा लूँ, तो वो भी मुझे डिटेल बता देगा कि इसकी ना ये डिटेल्स आपकी ना सुपर कनेक्टर की होती हैं। तो ये उसने सारा बताना शुरू किया। अब मैं इसको कहता हूँ भाई आप छोड़ो इसको भी, आप इससे करो कि बिना मुझे सुपर कनेक्टर्स की डिटेल बताओ। ठीक है, तो सुपर कनेक्टर में भी स्पेसिफिक टॉपिक भी अगर मैं आपको आगे बताता हूँ ना वो भी मुझे बता देगा इसके बारे में। क्या मैं कहता हूँ राइट, इसमें ही एडिट कर लेते हैं कि राइट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सुपर कनेक्टर्स, या हम कहते हैं राइट एन ओड ऑन सुपर कनेक्टर्स। तो ये उसके ऊपर ना आपको पूरा एक नोट लिख के दे देगा, एक ऐसे टाइप पैराग्राफ टाइप बना के आपको यहाँ पे दे देगा। तो ये एक हमारे पास कैपेबिलिटीज है कि आप जो मीन्स के ना चैट जीपीटी आपका जो है ना, ये जो चैट जीपीटी वाली चैट वाला एरिया है ये आपको इस हद तक हेल्प कर रहा है कि आपको काफ़ी चीज़ों की स्पेशलिटी और सारी चीज़ें वो उसने जो स्टडी की हुई हैं 2021 से पहले इवेंट्स की, वो सारी आपको ना यहाँ पे जो ना आपको बता रहे हैं। तो अभी मैं इसके बाद मैं आपको एक सोशल एक मतलब ना आर्टिकल भी मैं आपको बताता हूँ, और उसमें मैं आपको लैंग्वेज फीचर भी बताता हूँ कि उर्दू लैंग्वेज को भी ये इवेंट सपोर्ट करता है। तो अभी आप मैं कहता हूँ कि भी ना आप इसी टॉपिक को मैं कहता हूँ उर्दू में लिखो भाई, राइट ए नोट ऑन सुपर कनेक्टर्स इन उर्दू लैंग्वेज। लैंग्वेज साथ लिखना पड़ता है मेरे ख्याल से, उर्दू में थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाता है, तो इसकी उर्दू लैंग्वेज है मैंने उसको कह दिया। अब जब मैंने इसको उर्दू लैंग्वेज कह दिया इसने अब उर्दू में लिखना शुरू कर दिया जी। थोड़ी बहुत इसमें मिस्टेक्स होंगी क्योंकि ये मतलब ना आपका एक फुल टाइम एक्यूरेट तो नहीं होगा, लेकिन आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर अ ह्यूमन टू लर्न, कि इसमें आपको बहुत सी चीज़ें ये दे देगा, उसमें बंदा अपनी सेटिंग फिर खुद कर लेता है एज अ सुपरवाइजर के तौर पर। ये आपको पूरा उर्दू का इसके ऊपर नोट एक लिख के दे रहा है आपको सुपर कंडक्टर्स का। तो इसके अलावा मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ कि भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मैं जो नोट लिख के दो, ठीक है, या हमें कोई स्पेसिफिक हम इस पर और हो जाते हैं, तो इन केस अगर हम इसको कहते हैं कि भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है ना रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक टॉपिक है, वो किसी को आइडिया होगा, काफ़ी बंदों को आइडिया होगा, तो री इन्फोर्समेंट लर्निंग के ऊपर मैं कहता हूँ कि मुझे ना उसकी मतलब बता दो कि उसकी क्या वीकनेस है। तो
अब इसने आपको कोई स्पेसिफिक वो नहीं दिया, मीन्स के बिना वो बनी बनाई चीज़ें उसने नहीं उठाई गई से, ये खुद से जो ना अपनी लर्निंग के हिसाब से यहाँ पे इसको करेंगे तो ये नीचे जो जा रहा है ना उसको ये बता रहा है कभी। अब ये इसकी वो ड्रॉबैक्स बता रहा है, वीकनेस बता रहा है कि ये इसकी ना ड्रॉबैक्स होती हैं, वीकनेस होती हैं। तो ये वो बुरी एक स्पेसिफिक, मैंने स्पेसिफिक से भी स्पेसिफिक कर दिया कि रीइन्फोर्समेंट लर्निंग की मैंने उससे वीकनेसेस सिर्फ पूछी हैं। तो उसने अपनी स्टडी के हिसाब से सारे उसने यहाँ पे वीकनेस मुझे यहाँ पे उसने इनलिस्ट करके दे दी है। तो क्रॉस कन्वर्सेशन जो आप करते हो ना कहीं बैठ के आपस में एक दूसरे के साथ, वो भी एक्यूरेट नहीं होती। तो ये इससे अगर आप क्रॉस कन्वर्सेशन करते हो तो वो ज़्यादा आपकी ना लर्नेबल होती है, मतलब बड़ी अच्छी होती है। अब मैं चीटर्स के लिए कुछ जो चीट वगैरह लोग करते हैं, लाइक चीटर्स माइंड मीन्स के भी ऐसे स्टूडेंट्स जो कोडिंग वगैरह से डरते हैं भागते हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे आपको ना, क्योंकि आप बेशक वो यहाँ से कोड बना लेंगे लेकिन जब टीचर उसे वैवा ले लेंगे तो वो तो फिर वहाँ पे फंस जाएंगे ना। तो लर्नर्स के लिए बहुत अच्छा है प्लेटफॉर्म है। तो जो लोग चीट करते हैं तो उनके लिए ये होगा कि जब वैवा वो जो लेंगे तो वो उस टाइम फंस जाएंगे। तो मैं आपको इसमें मिसाल देता हूँ कि भी मुझे एक असेंबली लैंग्वेज का कोड चाहिए जो दो नंबर्स को ऐड करता हूँ, मैं इसलिए वहाँ पे लिखता हूँ राइट। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए मैं इसी लैंग्वेज लिख लेता हूँ ताकि जो जनरल ऑडियंस है उसको भी मतलब समझ आ जाए कि भी एक कोड के लिए कैसे लिखते हैं। सी प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट प्रिंट द सम। ठीक है, ये आपके पास एक, मैंने इसको स्पेसिफिकेशन लिख दी। अब इसने मुझे सी लैंग्वेज का एक कोड उसने ओपन किया और उसने उसमें कोड लिखना शुरू कर दिया। दैट्स द रियल पावर ऑफ द चैट जीपीटी। सो इसमें उसने देखे, उसने उन दो नंबरों को इनपुट लिया और उन दोनों को क्या उसने सी लैंग्वेज में उन दोनों नंबर्स का सम जनरेट कर दिया। अब इसको जैसे ही आप कॉपी करेंगे इस कोड को यहाँ से और अपने उसके ऊपर टेस्ट करेंगे तो आपको ये एग्जाम्पल प्रोग्राम आपका एक अच्छा सा आपको वहाँ पे क्या कर देगा, वो वहाँ पे आपको बना के दे देगा। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें आपका ना चैट जीपीटी वाला जो आपके पास जो एरिया है वो आपका यहाँ पे कवर हुआ है। अब मैं थोड़ा सा इमेज प्रोसेसिंग वगैरह की तरफ जाता हूँ। तो उसके ऊपर आपके पास क्या है जी, उसमें उसमें जो इनका फीचर है इमेजेस के लिए वो है डेल ई के नाम से है ये वाला जो आपके पास डेल ई टू हमारे पास यहाँ पे है। तो इसमें जब हम आते हैं, इसमें उसने आपको दिखा दिया कि तो ये आपके पास डेल ई टू जो है ये एक हमारा फीचर है जो क्या करता है वो जो इमेजेस को ना की लैंग्वेज में आपसे बात करेगा। ठीक है, मीन्स अगर आप इसको हम अभी हम स्टार्ट करते हैं तो मॉडिफिकेशन करता है, काफ़ी हद तक मॉडिफिकेशन करता है। जो इसकी अच्छी ना मतलब क्वालिटीज़ हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिसर्च लेवल पे तो नहीं कर सकता ये इतना, लेकिन ये विजुअल या मतलब हम कह सकते हैं कि ना बेसिक लेवल के ऊपर बहुत अच्छा आपको यहाँ पे ये जो ना आपको वो करके दिखा सकता है ये। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसको भी साइन अप करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, हमारे पास आ रहा है साइन अप का ऑप्शन, तो यहाँ पे साइन अप हम करते हैं। तो यहाँ पे आप जब हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो फिर उसी तरह से ये आपका मांगेगा। हाँ, तो इसने यहाँ पे आपको ना एक उसी तरह का फॉर्मेट दे दिया है। जब आप इस पर आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो उसी तरह से आपको दोबारा एक अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो इससे आपके पास दोबारा एक लॉगिन हो जाएगा। तो इस पर हम देख लेते हैं कि भाई ये दोबारा लॉगिन का प्रोसेस उसी तरह से चलेगा आपका। तो हमने इसको कंटिन्यू कर दिया क्योंकि आपने अकाउंट पहले का बनाया हुआ था, हमने जो जो पिछली अभी थोड़ी सी देर पहले बनाया। इसमें आप देखें, इसमें आप फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे ना डंकी एंड जेब्रा का मिक्सचर मुझे बना के दें। अब जेब्रा और डंकी का मुझे मिक्सचर बना के दें। अब वो इस पर हम जनरेट करेंगे तो वो एक मतलब ना प्रोसेसिंग का टाइम थोड़ा सा लेगा और वो क्या करेगा, डंकी और जेब्रा का हमें एक मिक्सचर बना के दे देगा एज एन एग्जाम्पल। ये हमें इमेजेस देगा और मैं ये चार मुख्तलिफ वेरियंट्स देगा, उन वेरियंट्स को हमने जो ना उनमें से एक सेलेक्ट कर ले मर्जी हमारी। तो वो देखें हमें ये उसने डंकी का और जेब्रा का उसने यूनिक उसने हमें मिक्सचर बना के दे दिया। इसमें आप ये भी देख लें, ये भी आपके पास एक इमेज है, ये भी एक इमेज है, ये भी एक इमेज है, ये भी एक इमेज है। ठीक है,
इसी तरह अगर आप चाहते हो कि भी ये आपने इसको इमेज एज ए इनपुट देनी है और इमेज से ही आपको कोई और चीज़ जनरेट करके दे, तो उसके लिए फिर हम दोबारा डेली पे हम क्लिक करते हैं, तो हमें दोबारा हम इसके ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखें अपलोड एन इमेज। अब फिर मैं यहाँ पे एक इमेज अपलोड करता हूँ, तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि अब मैं यहाँ पे अपनी इमेज को एक दे देता हूँ, मेरी जो एक इमेज यहाँ पड़ी हुई है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इमेज है उसको दे दी, ये वाली, तो अब इसमें वो कहते हैं क्रॉप करो, मैं कहता हूँ क्रॉप ना करो, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब मेरे पास ये इमेज आ गई, इसको मैं ओके कर देता हूँ यहाँ से। अब एक एडिटर एक मेरे पास खुल गया, इसमें आपके पास यहाँ से ऐसे ये आपके पास क्या है एक इसकी जो ना एक, अब इसमें मैं कहता हूँ कि ना इसमें मैं कहता हूँ इस इमेज के साथ करो क्या तुम, इसको उसको बताता हूँ मैं इंग्लिश में। तो मुझे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी के कंप्लीट इमेज, इसको कंप्लीट करने का कहूँगा तो ये क्या करेगा, ये ना इमेज मेरी ना उसने अपनी मर्जी से थोड़ी सी ना इसको कंप्लीट करेगा, इसको जो इसके रिमेनिंग एरियाज हैं वो हमारे जो ना जो इस टाइम नहीं है ना ना कभी थे, तो उनको यहाँ पे वो खुद से जो ना वो आर्टिफिशियली वो यहाँ पे वो सोचेगा कि मैं यहाँ पे क्या कैसी चीज़ें लगा सकता हूँ, पास पास का बैकग्राउंड क्या होगा इसके अलावा। तो अभी आप देखें हमारे पास जो ना इसके इसके भी 4 मिनट समय देगा वो, ठीक है, तो इसलिए हमें ये देखें हमारी जो मेरी इमेज थी यहाँ तक थी उसको उसने कंप्लीट बना के दे दिया, और उसके वेरिएंट्स भी हमें मुझे दिया क्या कि ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे मुझे लग रहा है कि मेरी उसने टमी ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा दी है, ठीक है, इस इमेज में, तो मैं उसको ये भी कह सकता हूँ कि ना इस इमेज में ना मेरी टमी जो है ना वो थोड़ी सी रिड्यूस कर दो, लेस टमी उसे और समझेगा, लेकिन ये स्मार्ट लिख देता हूँ इसके ऊपर मैं, उससे थोड़ा सा बेली हो, आई थिंक बेली होता है, हाँ जी बेली है, तो बेली है, मैं इसको स्मार्ट कर लेता हूँ, तो इसमें आप देखते हैं वो मुझे इसका क्या समझता है इस चीज़ को, और मुझे वो क्या जनरेट करके देता है इसकी। अभी देखें उसने ना मेरा थोड़ी स्मार्ट पिक्चर बना दी, और वैसे इसमें थोड़ा सा नहीं समझा, लेकिन आपको ओह देखें इसने इसमें बड़ी बली बढ़ा दी एक्स्ट्रा, तो ये तो मैं उसने उसको उल्टा समझ लिया। मैं वैसे मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा आप चीज़ें बताएं मुख्तलिफ किस्म की, वो आपको मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें देख करना मुख्तलिफ किस्म के रिस्पॉन्स आपको दे सकता है, जो बार बार इसके साथ आप जब कन्वर्सेशन करोगे ना तो आपको वो जो जिस चीज़ के ऊपर आपको घटू लगे लगेंगे ना फर्ज करें, वो आपको वो 10 मिनट में 2 मिनट में वो चीज़ें वो बना के दिखाएगा, आप उसके वेरियंट्स बार बार ट्राई कर लो, तो आप अल्टीमेटली आपको एक अच्छी जो ना एक यूजफुल इमेज आपको यहाँ पे बना के वो दे सकता है। तो इस तरीके से ना ओपन एआई का जो ये यूज़ है हमारा, इसकी दो एप्लीकेशन देख लिया से हैं हमारी, जो एक हमारे पास चैट जीपीटी है जिसके साथ आप चैट कर सकते हो और वो आपको चैट में ही रिस्पॉन्स करेगा, और इसके अलावा जो आपकी एक डेल ई है जो क्या करेगा, जो आपको कन्वर्सेशन का जवाब आपको इमेजेस की फॉर्म में देगा। तो डेल ई के भी मैंने दो फीचर्स आपको बताए यहाँ पे कि एक तो आप जो ना इमेज जनरेशन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से, और या फिर आप एक इमेज अपलोड करके उससे आप क्या कर सकते हो यहाँ पे इमेज जनरेट कर सकते हो, ठीक है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बतानी पड़ेगी आपको उसके थ्रू। तो इस तरीके से आपको ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि ओपन एआई क्या है, एक डिटेल्ड मैंने आपका एक वीडियो बना दूं तो जिसके ऊपर आपको ना यहाँ पे इसको यूज़ करने में और समझने में आसानी हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, तो इफ अगर आपने हमारा चैनल जो ना आपका कनेक्ट हमें अच्छा लगता है आपको हमारे कनेक्ट, तो फिर आप कैंडी इसको ना सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, वो आपके ऊपर है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू, गुड बाय।